हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कानूनी सोच में। और मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और ये हैं मिसेज दीपिका शर्मा। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपके लिए एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं काफी समय से, और उस सीरीज में हम आपको बता रहे हैं कि भाई हस्बैंड और वाइफ को कैसे रहना चाहिए, आपस में कैसे सामंजस्य बिठाना चाहिए। और दोस्तों, उसके लिए कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली आपको बताया जाए और उसके बेस पर आप उन चीजों को इम्प्लीमेंट करके अपने अपने रिश्तों को बचा सके। लास्ट टाइम दोस्तों हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें मेरे कुछ क्वेश्चंस थे जिनके आंसर दीपिका जी ने दिए थे, और ये जानने के लिए कि मुझे कितना जानती है। और ये क्वेश्चन पूरी तरह से फेयर थे, मतलब आंसर किसी को बताया नहीं गया था, स्क्रिप्ट पहले से याद नहीं की गई थी। तो आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत पसंद किया और उसके बाद कुछ कमेंट्स भी आए थे कि ये सेम चीज रिवर्स में भी होनी चाहिए, मतलब कि दीपिका मुझसे क्वेश्चन पूछे और मैं आंसर दूं ताकि लोगों को पता चले कि मैं कितना जानता हूं। तो दोस्तों, इस तरह की भी कुछ क्वेरीज थी और ये जरूरी भी है क्योंकि जब हमने उस दिन देखा कि मेरे 10 सवालों में से केवल 4 सवालों के जवाब ये सही दे पाई थी और 6 के गलत, वो यानी एक्चुअल में कि 6 होने चाहिए थे। मैंने दो नहीं, वो अब इंटेंशनली ऐसे जो बोल नहीं दिया नहीं था, नहीं इंटेंशनली नहीं गलती गेम से ऐसे में, बोल दिया नहीं था। नहीं 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 तो कुल मिला के बात रिजल्ट ये आया था कि ये मुझे केवल 40% जानती है, 60% नहीं जानती, उसके बावजूद भी मैं इनके साथ रह रहा हूं। चलो अब देखते हैं आप कितना जानते हो। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इनके कुछ क्वेश्चंस हैं जो ये लिख के लाई हैं, कुछ आंसर्स भी हैं जो मुझे नहीं मालूम है, मैं गेस करूंगा और देखते हैं कि अब इस खेल में कौन जीतता है। और फिर पहले वाला वीडियो और इस वीडियो दोनों को कंपेयर करना, ये ना हो कि केवल इस वीडियो के बेस पे ही आप कमेंट्स कर दें। जिन लोगों तक वो वीडियो नहीं पहुंची थी उनको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, वहां जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, आखिरी तक देखना है, क्योंकि हमारा मकसद होता है जो भी वीडियो हम बनाए साथ में, चाहे वो किसी भी आधार पर बनाई गई हो, किसी गेम के आधार पर बनाई गई हो, लेकिन उसमें महिलाओं को और हस्बैंड को दोनों को एक मैसेज जाए, उनको कुछ सीखने को मिले और वो उसको इंप्लीमेंट करके अपने अपने घरों को सुधार सके। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इस चैनल पर भी अब हर रोज हम लीगल वीडियोज और इस सीरीज के वीडियोज आपके लिए ला रहे हैं। चलो जी, अब आप स्टार्ट करो, पूछो क्या क्वेश्चन है आपके। हाँ, पहला क्वेश्चन है माय हॉबी। ओके, इसका आंसर है नेल आर्ट और पेंटिंग भी हो सकता है, दोनों लिखो। एक चलेगा, एक ये क्या हुआ, नेल आर्ट भी है भाई। पेंटिंग भी है, आपने भी दोनों मेरे है। साथ ऐसे ही करा था, आप ही मेरे साथ ऐसे ही करा था। पेंटिंग लिख दो फिर। माय फेवरेट फ्रूट, मैंगो। माय फेवरेट सब्जेक्ट, मैथ्स। माय फेवरेट एक्टर। एक्टर तो मैं ही हूं और कोई नहीं हो सकता, मेरा नाम लिख अरे दो। अरे इन बॉलीवुड, मैं नहीं बोलूंगा ये, मैं हार जाऊंगा पर बोलूंगा नहीं। अरे ये क्वेश्चन काट, इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन डाल। अरे भाई, जस्ट अ क्वेश्चन। बाला पिक्चर का हीरो। माय फेवरेट एक्ट्रेस, भूमि पेडनेकर। माय फेवरेट कलर, ब्लैक। थिंग आई डिसलाइक मोस्ट, हैबिट भी हो सकती है, झूठ बोलना। माय फेवरेट प्लेस, जयपुर। माय फेवरेट जिम डे, एब्डोमिनल। माय फेवरेट टीवी सीरियल। टीवी सीरियल के तो मुझे नाम भी नहीं पता है, कैसे बताऊंगा। मैंने आपको बता रखा है कि सीरियल मुझे बहुत अच्छा लगता है, कई बार बताया है। होगा वो गोपी बहू वाला शायद। नहीं ओके, मैं लिख दूँ नहीं, साथ मेरे को नाम ही याद नहीं है, साथियों मैं क्या बोलूंगा। साथ गोपी बहू वाला नहीं, लिख देती हूँ। मेरे को नाम याद नहीं है ना, मुझे कब अच्छे लगते हैं ऐसे टीवी सीरियल्स। तो कॉमेडी है वो, सारा भाई वर्सेस सारा भाई। ये तो वैसे मैंने बता दिया, नहीं बताया था भाई, ये बताया तो फेल मैंने, कर कॉमेडी गया। सीरियल तो बहुत सारे आते हैं। चलो ठीक है, अब बताओ, पूरे अब हो गए आंसर। 10 क्वेश्चन। हाँ ओहो, चलो अब आंसर बताओ और मैं देखना चाहता हूं मैं कितने नंबर से जीता हूं। पहला है माय हॉबी, तो उन्होंने कहा था पेंटिंग नेल आर्ट, मेरा आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट, तो ठीक है, ठीक मान सकते हैं। ठीक है। दूसरा है लीची, मेरा माय फेवरेट फ्रूट, आपने कहा था मैंगो, ये गलत हो गया है। तीसरा है माय फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स, जो कि इन्होंने सही बताया है। 2 सही हो गए, माय फेवरेट एक्टर बाला पिक्चर का हीरो, 3 सही बधाई हो बधाई का गए। हीरो। ठीक है, माय फेवरेट एक्ट्रेस अमृता राव, मैंने बताया था आपको कुछ ये दिन कब से पहले। हो गए, ये अभी तो भूमि पेडनेकर बताया था कुछ दिन भूमि पहले। पेडनेकर भी है,
पहले नंबर पे, लेकिन मैंने अमृता राव लिखी थी। ये तो कोई बात नहीं। माय फेवरेट कलर इज पर्पल और थिंग आई डिसलाइक मोस्ट इज रिमेनिंग बिजी ऑन फोन, जो फोन में घुसे रहते हैं लोग, वो चीज मुझे बहुत गंदी लगती है। हाँ, टेलिंग लाइव झूठ बोलना भी मुझे बहुत गंदा लगता है, लेकिन मैंने मेरा गलत थोड़ी होगा, मैंने लिखा वो था। ये क्या है, तो क्वेश्चंस भी ऐसे पूछे हैं कि जिसमें डेफिनेटली दूसरा आदमी हार जाएगा। अच्छा, माय फेवरेट प्लेस जयपुर, ठीक है चलो इक्वल तो मैं आ गया, चार सही हो गए मेरे। माय फेवरेट जिम डे, मैंने लिखा था लेग्स, ये गलत हो गया। माय फेवरेट टीवी सीरियल, ये मैंने आपको बता दिया, सारा भाई वर्सेस सारा भाई। आपने पहले गोपी बहू वाला कहा, नहीं नहीं गोपी बहू वाला कहा था। पांच सही हो गए मेरे, कंप्लीट हो गए 10। हां देखिए दोस्तों, मैं जीत चुका हूँ, यानी मैं इन्हें ज्यादा जानता हूँ 50%। 5 मेरे सही है, 5 गलत है। जब नहीं, कोई चीटिंग नहीं करी आप लोगों के सामने है दोस्तों, कोई चीटिंग नहीं करी, बिल्कुल फेयर गेम खेला है। बल्कि इन्होंने उस दिन चीटिंग करी थी, चेंज कर रहे थे एक आध आंसर कोई शायद, जितना मुझे याद आ रहा है। पर दोस्तों देखिए, मैं इनको 50% जानता हूँ, लेकिन 50% फिर भी नहीं जानता हूँ, फिर भी मैं इनके साथ रह रहा हूँ और जितना भी इनका टॉर्चर है वो सारा झेल रहा हूँ, और ये मेरा टॉर्चर भी झेल रही है, ऐसे मत देखो। तो यानी चलो दोस्तों, ये कह सकते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को झेल रहे हैं, इसके बावजूद कि हम एक दूसरे की हमारी पसंद और नापसंद काफी हद तक अलग है। तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा, बहुत सारी चीजें आपके पार्टनर को पसंद होंगी, आपको पसंद नहीं होंगी। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपकी हॉबी होंगी पर आपके पार्टनर की नहीं होंगी, तो उसके बावजूद भी आपको एक दूसरे को कॉपरेट करना है, ना कि उन बातों पर आपको लड़ना है। दोस्तों यहाँ पे इन्होंने कहा कि मैं इन्हें झेल रही हूँ, लेकिन सच बात यह है कि मैंने झेल नहीं रही हूँ, और मैं अपने आपको बहुत ही खुशनसीब मानती हूँ कि एक्चुअल में मैंने मेरे को ये हस्बैंड की तरह मिले। मतलब क्योंकि मैं कहीं स्टैंड नहीं करती, और जो भी मैं हूँ इनकी वजह से हूँ, मतलब कि आई एम नथिंग विदाउट हिम, मैं ये समझती हूँ, और मैं सही में खुद को बहुत लकी समझती हूँ। दोस्तों ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, मतलब आपका माइंडसेट भी है कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपके हाथ में आपकी ज़िंदगी कि आप ठीक है। अगर आपका पार्टनर में कोई बुराइयाँ भी हैं तो आप उसको नज़रअंदाज करिए, आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। आप उसे प्यार देंगे, रेस्पेक्ट देंगे, तो आपके प्यार को समझेगा और आपके साथ कोशिश करेगा कि हाँ आपके साथ लॉन्ग टर्म तक रिश्ता निभाए। दोस्तों जो सच्चा प्यार करने वाला होता है ना, वो बहुत मुश्किल से मिलता है। मतलब कि अच्छी किस्मत है हमारी तो हाँ मिल गया, अगर और अगर कोई मिल गया है आपको, हाँ आपको लगता है कि मैं इसके साथ जो है अपनी लाइफ स्पेंड कर सकता हूँ, तो उसे जाने मत दें। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आपसी में बैठ के प्यार मोहब्बत से उसे सुलझाने की कोशिश करें। तो दोस्तों आप लोग भी अब इस तरह के गेम खेलिए और एक दूसरे को जानिए कि आप लोग एक दूसरे को कितना जानते हैं। हंसी खुशी से खेल में अपना टाइम लगाएं, मोबाइल को अपने से दूर कर दें। अगर मोबाइल आपके बीच में रहेगा तो आप किसी भी तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, यही फैक्ट है। बस इतनी सी बात समझ लेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।